वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ा प्रसाद। हाँ जी, हम गुरुद्वारे जा रहे थे तो हमने सोचा कड़ा प्रसाद बना लिया जाए, और बना रहे हैं तो थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया जाए, आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। हियर वी गो। बहुत इजी है कड़ा प्रसाद बनाना। सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। एक कटोरी आटा, एक कटोरी घी और एक कटोरी चीनी ले लीजिए अलग अलग। ये हो गया। पानी, पानी जो आपने कटोरी ली है उसका डबल। सो ये एक कटोरी आटा है, उतना ही पानी और उसका एक डबल। सो वन 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 और पानी टू। समझ लिए? रेडी, स्टार्ट किया जाए। लेट्स गो। तो हम पहले पानी को गरम करने के लिए रख देते हैं, ठीक है? और जब हम ये पानी और चीनी का जो ये घोल बना रहे हैं ना, तो इससे हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, ठीक है? ये नॉर्मल, मतलब जैसे पानी गरम हुआ उसके अंदर चीनी डाली, बस जैसे ही चीनी डिसॉल्व हुई आप बंद कर दीजिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे हमारा घी लेंगे। अब घी के लिए ना आप प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको वैसा ही टेस्ट चाहिए जो गुरुद्वारे में मिलता है, तो आपको फिर उतना ही घी लेना पड़ेगा जितना रिक्वायर्ड है। कंजूसी नहीं, ठीक है? अब इसमें जाएगा एक कटोरी आटा। ध्यान रखिए कि जो फ्लेम है उसको आपको स्लो से मीडियम रखना है। फ्लेम को तेज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो आटा और घी है ये ना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो आपको ये एक सैंडी टेक्सचर चाहिए, एक कलर चाहिए आपको, एक सैंड कलर। तो जैसे ये डार्क होता रहेगा वैसा कलर चाहिए, ठीक है? इसके जितने भी आपके लम्स होंगे वो आप ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए। अच्छा, और आपको ना ये बनाने के लिए कोई, जैसे मैंने तो नॉन स्टिक लिया है, पर नॉन स्टिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी पैन में ये बना सकते हैं, ठीक है? मैं अब थोड़े से लम्स निकाल रही हूँ, और इसकी जो टेस्ट है ना, वो आप जितना इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे स्वाद वैसे ही आएगा, ठीक है? तो वो जो एक राइट कलर होता है ना, वो आपको देखना है कि वो जो राइट एकदम दैट नाइस ब्राउन, वो होना चाहिए। ऑलमोस्ट इसके जितने लम्स थे वो निकल गए हैं। देखिए लोग, इसे हम तो इसे कड़ा प्रसाद कहते हैं, है ना? और गुरुद्वारे में खाते हैं, और जो गुरुद्वारे जाते हैं उन्हें आई एम श्योर गुरुद्वारे की एक आइडेंटिटी हो जाती है कड़ा प्रसाद से, है ना? तो बच्चों को बहुत पसंद आता है कड़ा प्रसाद। पर जैसे बहुत सारे लोग इसे आटे के हलवे की तरह भी जानते हैं, जैसे कोई जल्दी से बन जाता है एक तो, पर सिंपल भी है, चार इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए। जैसे कोई जल्दी से कोई आ जाए घर में और आपके पास डिज़र्ट के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या बनाएंगे? आटे का हलवा। सो यू कैन ट्राई दैट। तो अब ये पानी हमारा उबल रहा है, तो हम जो हमारे एक कप चीनी है वो इसमें डाल देते हैं। ये भी डिज़ोल्व हो जाए। ये बहुत टाइम नहीं लेगा, इट विल बी डन इन नो टाइम। वैसे तो जब मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो मैं बात नहीं करती किसी से, चुप बैठती हूँ, सिमरन करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, कुछ अच्छे थॉट्स हैं वो लेती हूँ। पर अब क्योंकि आपके साथ शेयर करना था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी बात कर लेंगे, आपके साथ शेयर भी तो कर रही हूँ कड़ा प्रसाद की रेसिपी। सो ये जो टाइम है ना इसका, इसको नीचे लगने नहीं देना। अब तो मैं तो आई एम यूजिंग ये जो नॉन स्टिक है तो वो लगेगा नहीं नीचे, पर जैसे अगर आप कोई नॉर्मल कोई बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो बस ट्रिक ये है कि उसे नीचे वो स्टिक ना हो, चिपके ना।
वैसे तो अगर आप कोई भी डिश अच्छे इंटेंशन से बनाएंगे, साफ दिल से बनाएंगे, गुड थॉट्स से बनाएंगे, पॉजिटिविटी से बनाएंगे तो वो टेस्टी ही बनेगी, भले वो कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो। या हमारा पानी ऑलमोस्ट, देख लेते हैं चीनी घुली है कि नहीं, ऑलमोस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है जो इजी रेसिपीज़ होती है ना वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। जितना इजी रेसिपी, जितने कम इंग्रेडिएंट्स, उतनी टेस्टी रेसिपी। अब ये कलर चेंज हो गया है इसका, तो अब हम हमारे जो पानी है ये अभी संभल के, अगर कोई छोटे कर रहे हैं या कोई इन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो थोड़ा संभाल के जब आप पानी इसमें डालें, संभाल के डालिएगा क्योंकि देखिएगा। और अब अच्छे से इसे मिक्स कर दें। देखो क्योंकि घी हमने डाला था तो इट जस्ट, मतलब वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और आपने भूना है तो वो अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल नहीं चिपक रहा, लाइक यू कैन सी। है ना? और जो लोग कहते हैं ना कि भाई घी कम कीजिए, ऐसा नहीं होता। मैं ना बचपन में, जैसे हम 2 महीने समर वेकेशंस पंजाब में बिताते थे अमृतसर में, तो वहाँ की यादें हैं कि गुरुद्वारे जाते थे तो जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, जो अंकल्स होते थे, उनको प्रसाद मिलता था, तो वो जो प्रसाद के बाद जो घी होता है ना गुरुद्वारे में, वो ना ऐसे टपकता है, तो क्या करते थे वो ऐसे ऐसे करते थे और अपनी दाढ़ी मूछ से सेट करते थे, और जो बीबीज हैं वो ऐसे ऐसे करके मॉइस्चराइज करते थे। सो डोंट वेस्ट द घी, आप अपना देख लो आपको क्या करना है, मॉइस्चराइज करना है कि खाना है, वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। पर यार घी में कंजूसी मत करना प्लीज़। अब इसे हम एक, जिस इसमें हम गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी और आप ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, एंड आई होप कि मैं आपको और ऐसी अच्छी ईजी रेसिपीज़ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।